क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली फाइन। सो गाइस, अभी सीन ये है कि हम लोग अब दूसरी जर्नी के लिए जा रहे हैं इस चैलेंज की। तो अभी जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ से हमारी बस या ट्रेन जो भी है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेन अगर मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ भावना के साथ, और यहाँ पे स्नेहा सेक्शन मिल जाएंगे, वहाँ से हम जा रहे हैं बस स्टैंड, और वहाँ से आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी सक्षम मिल गया है, ट्रॉली लाया है इस बार ये, और स्नेहा भी आ गई है। चलो, और अब हम चला एक सेकंड। गाइस, हम बहुत लेट हो गए थे एंड ये रही हमारी बस, एंड ये हमारी 18 घंटे की बस जर्नी होने वाली है टू अहमदाबाद। क्यों भाई, मजा आएगा? लेट हो गए हम, 18 घंटे की ट्रेन बस जर्नी करने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। पता नहीं कैसे होगी, पहली बार इतना ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। और ये हमारी बस है गजराज ट्रैवल्स, हम बहुत ही टाइम पे पहुंचे हैं, सब अंदर हैं और हम अभी अभी पहुंचे हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, एक बार बस चढ़ जाते हैं फिर मैं बात करता हूँ। सो गाइस, ये अपनी बस है कुछ अंदर से, ठीक है, आए हाय, पर कोई बात नहीं। और वो रहा लकी, और आगे सारा कैबिन हमारा ही है। सो लेट्स सी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हमारा सिटिंग सीन है, ठीक है, देखते हैं एक बार जरा। सो गाइज, दिस इज आवर बस एंड वी हैव स्टार्टेड आवर 18 आवर्स लॉन्ग जर्नी टू अहमदाबाद, एंड दिस इज TD73 वंस अगेन इन जस्ट 1 month वी आर मूविंग टू अनदर जर्नी। सो लेट्स सी कि ये जर्नी कैसी होती है। 18 घंटे हमें इस बस में रहना है, ठीक है, और 18 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है 18 घंटे में, बहुत कुछ। अब हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट और हम आधी टोली आए हैं, हरजपन का व्लॉग कर रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि हरजपन लोग निकल गए हैं बस से धोखा देके। हरजपन की इंफॉर्मेशन है इररिलेवेंट, अब हम सब बस बात करेंगे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बात बोलो, क्या बात? इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी फ्लाइट छूटने वाली है, हम रास्ते से छूटने वाले हैं। ओके गाइस, टेल मी हाउ टू रन, वी आर वेरी लेट। हेलो गाइस, ये एयरपोर्ट वाली पलटन है, आई एम वेरी बैड एट दिस, बट हरजपन ने मुझे पैसे दिए तो मुझे करना पड़ेगा। तो हम अभी बोर्डिंग कर लिए हैं एंड गुड टू गो, आई लव दिस बिजनेस। सो या मीट यू गाइस, अहमदाबाद लैंड होके हरजपन का ब्लॉग खराब करने आई है साक्षी। खराब नहीं, मेरे बिना उसका ब्लॉग चलेगा। और इसके बिना मेरे बिना तो हो ही नहीं सका, TRP तो मैं ही हूँ। सबसे बड़ा वाला यही है हमारे कॉलेज का TRP LGTV। अराउंड 8:45 हो रहे हैं एंड हम लोग कहीं पर रुके हैं और यहाँ पे आधा घंटे का हॉल्ट है। फाइनली हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा, तब तक के लिए सब लोग थोड़ा थोड़ा सो लिए थे, सब थोड़ा रिफ्रेश हो गए हैं और देखते हैं हम खाने पीने के लिए क्या मिलता है। और ये भी आ रहे हैं पीछे से सब, देखते हैं जरा कुछ खाते पीते हैं। ये तो जगह है, अब इस जगह पे सिर्फ थाली और वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, क्या मिल रहा है, थाली और सब्जी रोटी मिल रही है बस, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा। अरे दिवाली के कुछ यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं जो इनको मिले होंगे, ठीक है, तो बच्चा क्या करे, चाय भी नहीं है। बहुत ही बेकार थाली थी, बहुत ही भाईयात एकदम खाना, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। चाय बहुत अच्छी, हम चाय बोतल पी रहे हैं और वो हमारा बस वाला वहाँ पे फोन तब से मारे जा रहे हैं। अरे बस दिखा रहा हूँ, सामने आ गए बिल्कुल ही। बोलना चाहोगे आप लक्की के लिए दो वचन? हाँ से दी बताओ। देखने के लिए गए स्नेहा को और इसको छोड़ दिया है हमने इसी ढाबे पे, इनको इतना पसंद आ गया कि यहाँ काम करना चाहते हैं। स्नेहा ज्यादा करना चाहती है काम। स्नेहा बाय सुख सागर होटल पे, आपको बाय बाय।
जल्दी आज आओ। ओए बोल रहे सीट पे बैठो, क्या कर रही है? रह जाएगी, बोल रहे रह जाएगी। अबे तो कैसे बैठो, चल रही है, चलते हुए गाड़ी में आ रही है। जयपुर आने वाला है, वी आर गोइंग टू इंटर द पिंक सिटी इन सम टाइम एंड इट्स 11:45। तो हम पहुँच जाएंगे, थोड़ी देर में सफोकेशन बहुत हो रही थी तो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि अंदर कैबिन टाइप है ना तो थोड़ी सफोकेशन। बाकी अब हम थोड़ा सोने लगे हैं या थोड़ा लेटने लगे हैं, तो लेट से सुबह ही शायद मिल पाऊँगा बस को और भी दिखा पाऊँगा, या अगर कुछ होगा तो दिखा दूँगा। इट्स अराउंड 10:15 एंड हम लोग बस अहमदाबाद पहुँच गए, मैंने पूरी रात सोए एंड बस का ट्रैवल कहीं ना कहीं हमें बढ़िया लगा यार। भी बाकी सारे भी उठ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है अलग की वीडियो। और अपना सक्षम भाई भी, अरे सक्षम उठ जा। हाँ भाई उठ गया, अरे उठ गया। ये सब भी यहाँ पे बस उठ ही गए हैं, इतना जोर से अहमदाबाद पहुंच गए हैं एंड 18 घंटे सच में पता नहीं चले क्योंकि हम सो गए थे सारे, और हम सिर्फ सोए हैं क्योंकि हम 3-4 रातों से सोए नहीं थे। चार बोलेगा। तो गाइस यहां से अब हम ऑटो वगैरह बुक कर रहे हैं अपनी होटल के लिए। होटल तो क्या अभी जाके दिखाते हैं क्या बुक किया हमने, और फ्लाइट वाले पहुंच चुके हैं पहले, उनका थोड़ा बहुत पीओवी मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। भैया मेट्रो चलती है? यहाँ पे है अपने कुछ शायद रूम्स वगैरह, और हम लोग अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे। नमस्कार, ठीक है बिल्कुल हाईवे पे ही है तो कुछ कहीं भी जाने का वो होगा। 320 एंड वो देखो गाइस हमारे ट्रेन वाले लोग भी पहुँच गए हैं। ये ट्रेन से आए हैं? क्या हाल चाल है, है? अरे खुश खुश घूम रहे हो? चला क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल चाल है? पता है यार, थैंक यू यार। भाई तेरा ब्लॉग बना दिया, बढ़िया मतलब बढ़िया बना दिया, ऐसे चीजें भी ब्लॉग में। थोड़ा तुमने बता दिया ना, ऐसी चीज हो गई थी, स्टोरी बताई ना। ठीक की बात करी जाए तो ये एक बेड हमारा रूम है, टीवी वगैरह थोड़ा लगा हुआ है, बट अभी हम देखते हैं आइटनरी के साथ, मतलब आइटनरी को डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं आज के लिए। कल की विजिट है हमारी मिल की, और ये वॉशरूम है। सो वॉशरूम भी सही है, पूरा नहीं है, मतलब जिस हिसाब से हमने पैसे दिए हिसाब से सही है। तीनों में से कौन सा कलर लेना चाहेंगे भाई? ये कहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम ब्लू लूंगा। गाइस हम लोग कुछ खाने पीने जा रहे हैं, जाके देखते हैं। यहाँ पे भैया ने बोला कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी एक बार निकल के जाएंगे तो ही पता चलेगा मेन।